यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है और लगभग अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। आज यहां पर जो गहमागहमी देखी जा रही है तो यहां पर सदस्य पद के लिए अधिकतर उम्मीदवार आ रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं नगर पालिका बड़ौत से अतुल सोनू, जो वार्ड नंबर 8 से अब की बार उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया है। जानते हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सोनू जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? ये हमारा मुद्दा है कि हमारे वार्ड 8 में पिछले साल जो मेंबर था उसने कोई भी सफाई नहीं दी, कोई लाइट नहीं लगाई, बड़ी परेशान है वार्ड की जनसंख्या, इसलिए और पानी की है, ये सब दूर करने के लिए हम चुनाव में पर्चा भर रहे हैं। अच्छा, आपके सामने और भी उम्मीदवार होंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि जनता ने उनको देख लिया दो दफे से, एक पहले रह चुका, एक उससे पहले रह चुका, जनता ने उनको देख लिया है, जनता इस मुद्दे पे मुझे वोट देगी। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सोनू जी मौजूद थे, जो वार्ड नंबर 8 से नगर पालिका बड़ौत के चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है। इनका कहना है कि हम विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमको मौका जरूर देगी। ये तो समय ही बताएगा कि वार्ड नंबर 8 की जनता इनमें कितना विश्वास जताती है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।